हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों मैं पाल बी वसनायत मैं उमा एंड पाल बी वसनायत डायरेक्टर चांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आई डी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम दोस्तों आज का टॉपिक मिशन, गोल्ड लाइंस, आई नेट सिस्टम आई नेट सिस्टम में जो माहौल है जो आई नेट सिस्टम का तो जज्बा है किसी भी लीडर को गोल्ड लाइन बनाने में ज़बरदस्त मदद कर सकता है का गोल्ड लाइंस मतलब जिंदगी कंप्लीट चेंज दोस्तों आज से ठीक बाईस साल पहले जब मैं टियांस में आया टियांस का मार्केटिंग प्लान मैंने देखा उस मार्केटिंग प्लान में मैंने यही चीज महसूस की कि अगर हम एक बार गोल्ड लाइन बन गए ना तो मज़ा आ जाएगा और यकीन करना दोस्तों जिस दिन मैं गोल्ड लाइन बना उसके बाद पूरी जिंदगी कंप्लीट हो गई चेंज हो गई ऐसा ही आपके साथ भी है इसीलिए हम इतना जोर लगाते हैं कि आपको गोल्ड लाइन आपका टारगेट ये एक होना चाहिए कि गोल्ड लाइन बनना है टूर में जाना है काल लेना है लाख दो लाख रुपए आपको लाख दो लाख तीन लाख या पांच लाख रुपये महीना कमाने की सोच है आपकी इन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको गोल्ड लाइन बनना पड़ेगा गोल्ड लाइन बनने के बाद में आपकी इनकम आपका लेवल स्टेटस हर चीज़ पूरी दुनिया में बदल जाती है तो क्या का जो गोल्ड लाइन होता है वो बहुत पावरफुल लीडर होता है स्पेशली वो लीडर जिसने अपनी मेहनत से इन लेवल्स को अचीव किया होगा जो अपनी टीम की वैल्यू समझता है जो अपनी टीम को सही दिशा देने में विश्वास रखता है ऐसे लीडर जब गोल्ड लाइन बनते हैं तो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी उनके साथ जुड़े हुए ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो डे बाई डे प्रोस्प्रेस करते हैं तो दोस्तों टियांस अपने आप में ही एक मैं कहूं कि अजूबा है टियांस अपने आप में ही एक चमत्कार है जिंदगी बदलने के लिए आज से 33 साल पहले टियांस का जन्म हुआ टियांस का मतलब होता है शेर स का मतलब है उड़ता हुआ शेर फ्लाइंग लाइन और उड़ता हुआ शेर हमारा जो है सिंबल है जैसे कि आईडी नेट का सिंबल डायमंड है टियांस का सिंबल जो है दोस्तों शेर है और वो भी फ्लाइंग लाइन आपने देखा मेरे सामने डायरेक्टर की पिन है ये डायरेक्टर रैंक पर जब आप पहुंचते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिन आपको मिलती है एज ए अचीवमेंट इस पिन के अंदर आपने देखा होगा लाइन इस लाइन की शक्ति है इंटियां के जो प्रोडक्ट हैं वो लयंस के रेल की हड्डी की तरह हैं जैसे शेर की रेल की हड्डी मजबूत होती है ऐसे ही टियांस के प्रोडक्ट बहुत पावरफुल हैं न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं पर्सनल केयर होम केयर इसके अलावा स्किन केयर इसके अलावा हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार गैजेट्स हैं हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स हैं बहुत ही रिवोल्यूशनरी रिजल्ट्स हैं उनके अपने हेल्थ के ऊपर इसके साथ में दोस्तों टियांस ने जो मार्केटिंग प्लान डिज़ाइन किया है वो बहुत शानदार है कोई भी इंसान जीरो से शुरू कर सकता है जीरो से भी आप हीरो बन सकते हैं यहाँ आपको लाखों करोड़ों रुपये नहीं चाहिए सिर्फ कुछ हज़ार की शॉपिंग करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स बने हुए ब्रॉन्ज कार्ड सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम सबको प्लेटिनम बनना है जल्दी से जल्दी गोल्ड करना है इमीडिएट भी कर सकते हो लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो तो शुरुआत ब्रॉन्ज कार्ड से हो सकती है आज से बाईस साल पहले मैंने पियांस को सिर्फ पंद्रह हज़ार रुपये से शुरू किया था फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ की शॉपिंग से शुरू किया था पिछले बाईस सालों में पियांस से मैं कईयों करोड़ रुपया कमा चुका हूँ पियांस के इस शानदार अपॉर्चुनिटी से तो आपने कहाँ से शुरू किया ये फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ लोग ब्रॉन्स से कोई सिल्वर से कोई गोल्ड से कोई प्लेटिनम से शुरू करता है शुरुआत अगर अच्छी है तो वेरी गुड है प्लेटिनम बनना बहुत ज़रूरी है कुछ लोग एक ही दिन में प्लेटिनम बन जाते हैं एक सेकंड में बन जाते हैं वो तो आपकी पोजीशन कैसी है ये डिपेंड करता है लेकिन असली जर्नी शुरू होती है उसके बाद जब आप प्लेटिनम बन जाते हो फाइव स्टार फिर आपको सिक्स स्टार बनना है आपका टारगेट सेवन स्टार एट स्टार ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन एंड अल्टीमेट गोल है जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनना है आज से 22 साल पहले जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया तो मुझे मालूम था कि इस सिस्टम में एक बार अच्छी पोजीशन में पहुंच गए तब तक तो तकलीफ़ है तब तक दिक्कतें हैं परेशानियां हैं बहुत कुछ है लोगों की सुननी पड़ेगी बहुत कुछ लोग कहते हैं बहुत कुछ झेलना पड़ेगा बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आप टूट जाते हो निराश हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए और इतनी भयंकर स्थिति भी बनती है कभी कभी कि अब इस यात्रा को जारी रखें या इस यात्रा को यहीं पर ही स्थगित कर दें बट फिर वो ख्याल आते हैं दोस्तों आप महसूस करते हैं कि नहीं कुछ भी करेंगे करना तो पड़ेगा कुछ भी काम करेंगे जीरो से करना पड़ेगा और हर काम में स्ट्रगल है हर काम में दिक्कत है तकलीफ है आप आज नौकरी करनी शुरू कर दो नौकरी में बहुत दिक्कतें हैं आप कोई बिज़नेस शुरू कर लो उसमें बहुत दिक्कतें हैं आप ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें भी दिक्कतें हैं जब तक हम जिंदा हैं हमारे सामने चैलेंज है लेकिन कामयाब सिर्फ वही लोग हैं जो उन चैलेंज को हैंडल करना सीख लेते हैं जिनको पता होता है कि अगर ऐसी चैलेंज आएंगी तो मुझे इस तरह के चैलेंज को इस तरह से हैंडल करना है लेकिन रुकना नहीं है मुझे आगे बढ़ना है अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं उस जर्नी में मैंने महसूस किया मैंने खुद अपने जो पथ मेरा जो रास्ता था जो मैंने महसूस किया कि मुझे कोई तो बताने वाला कोई समझाने वाला नहीं था हमारे कोई ऐसे सीनियर नहीं थे कि जो जिनके बहुत बड़े रिजल्ट हों अचीवमेंट हों या उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली जब आप या आपके सीनियर एक जैसे होते हैं तो कभी कभी रास्ता कठिन लगता है बेटा आप बहुत लकी हैं जो समस्या हमें थी आज से 22 साल पहले वो समस्या आपके साथ नहीं है आज हिंदुस्तान में अनगिनत लीडर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मिसाल कायम की है आज उन लीडरों की नक्शे कदम पर चलकर आप अपनी कामयाबी को पुख्ता कर सकते हो मजबूत कर सकते हो अपनी कामयाबी को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हो जो भी आपके सीनियर लीडर में जो गोल्ड लाइन्स आते हैं गोल्ड लाइन एंड एब लीडर वो लोग जो माहौल के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिनके साथ माहौल है बिना माहौल के दोस्तों वो कहते हैं ना कि एक कोयला है या किसी आग की बात करें आग बहुत कमज़ोर होती है जब उसको जलाया जाता है थोड़े से गट लकड़ को आप देखिए कुछ लकड़ी के साथ अगर आप आग जलाने की सोचते हो तकलीफ होती है मुश्किल होती है जल्दी जल्दी आग पकड़ती नहीं है जलती भी नहीं लेकिन इसी की जगह कोई भट्टा हो उसमें सुखी तो छोड़ दीजिए कोई हरी लकड़ियाँ भी डाल दो ना वो भी जलने लग जाती है मतलब जहाँ माहौल है जहाँ गर्मी है और इस दुनिया में दोस्तों एक चीज़ बिकती है मैं कहता हूँ उसको एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी कहाँ पहचान होती है उसकी पहचान है जहाँ लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं थैंक यू टू गॉड थैंक यू टू फैमिली थैंक यू टू चेयरमैन सर थैंक यू टू थैंक यू टू मेंटर थैंक यू टू गुरु थैंक यू टू टीम थैंक यू थैंक यू थैंक यू जहां पर थैंक यू वाला कल्चर है जहां लोग अपने आप को बहुत प्रिवलेज ऑनर्ड ब्लेस्ड मानते हैं मतलब अपने प्रति अपने आपकी धारणा जो है बड़ी पॉजिटिव है इसको सेल्फ टॉक कहते हैं ये पावर है तीन द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स आप जो बातें करते हैं खुद से दूसरों से बातें करना तो है ही है जरूरी पॉजिटिव लेकिन खुद से जब हम बातें पॉजिटिव करते हैं कैसी भी परिस्थिति है खुद को खुद मनाते हो आप कोई और नहीं आ रहा है कोई सीनियर नहीं समझा रहा है आपको आप खुद समझा रहे, है रहे हो अपने आप को आत्म मंथन कर रहे हो अपनी चेतना को जगा रहे हो अपने कॉन्शियस को जगा रहे हो और महसूस कर रहे हो कि कुछ भी कर लो जीवन में हर जगह तकलीफ आनी है हर जगह दिक्कत आनी है चैलेंज आना है जब चैलेंज लेना ही है दुनिया में और जहां कुछ नहीं होने वाला जिंदगी सिर्फ कटने वाली है वहां भी चैलेंज है तो क्यों ना कुछ ऐसा पंगा ऐसा कुछ काम किया जाए जिसमें एक समय बाद जिंदगी बदलने की पूरी संभावना हो इसी का नाम है दोस्तों टियांस इंटरनेशनल आज से तैंतीस साल पहले उन्नीस में इस कंपनी का जन्म हुआ 1992 में ये कंपनी स्थापित हुई और इस कंपनी ने भी शुरुआती अपने स्ट्रगल के बाद एक ऐसा मुकाम हासिल किया उसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा आज एक हजार सैंतीस एकड़ में फैला हुआ कंपनी का शानदार हेडक्वार्टर है बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट आप जब जाते हैं और महसूस करते हैं कि एक इंसान की अचीवमेंट क्या हो सकती है ये पावर है इस इंडस्ट्री की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसमें एक कंपनी एक इंसान एक लीडर अपनी ग्रोथ कैसी कर सकता है उसके एग्जाम्पल हैं इतनी फास्ट ग्रोथ पूरी दुनिया में त्याजने की इतने फास्ट ग्रोथ यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो ले रहे हैं जिनमें से एक हम भी हैं हमने जो ग्रोथ ली डेट इज अनबिलीवेबल हम भी सोच नहीं सकते थे सपने में बट क्यों हुई क्योंकि हमने राइट right कंसेप्ट पकड़ा हमने सही रास्ता पकड़ा अगर आप सही रास्ते पे हो तो इस बात की चिंता की जरूरत नहीं है कब तो पहुंचेंगे इस बात की पक्का कंफर्मेशन है कि आप जरूर पहुंचेंगे अगर रास्ता ही पता नहीं है किस रास्ते पे चल रहे हैं जो मंजिल चाहिए उस रास्ते के लिए क्या उस मंजिल के लिए वो रास्ता जाता भी है कि नहीं अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए मनी फ्रीडम चाहिए आप नेम फेम रिकॉग्निशन चाहते हो पूरी दुनिया घूमना चाहते हो शानदार जिंदगी जीना चाहते हो तो ये वो जगह है ये वो रास्ता है त्यांस के नाम से आज से बाईस साल पहले इस तरह की फीलिंग्स हमें आई थी शायद आज आपको आनी चाहिए जब तक आपकी वो फीलिंग नहीं है जब तक आपका बिलीव नहीं है जो आपका बिलीव है दोस्तों जो आपका फेथ है उसमें चमत्कार होता है जब आप विश्वास करते हो तो संभावनाएं पैदा होती हैं जब आप होप करते हो उम्मीदें जागती हैं उम्मीदें होप आशा चमत्कार है इसके अंदर मेरक्कल है सिर्फ आशा की जा सकती है अच्छे की आशा करना वो तो कुछ भी सकता है जब कुछ भी हो सकता है तो हम बुरे की क्यों सोचें तो कुछ भी हो सकता है बुरा होगा तो होगा उसका तो कुछ समाधान नहीं है लेकिन तो अच्छे की कामना कीजिए ना जिंदगी में हर चीज़ फिफ्टी फिफ्टी है या तो होगा या नहीं होगा नहीं होगा तो कौन से लुटने वाले हैं या कौन से मरने वाले हैं लेकिन हो गया तो पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी ये जो स्प्रिट है ये जो फीलिंग्स है इसके अंदर होता है दोस्तों मैजिक मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा जब मैं आज आपके बीच में हूँ आज से तीन दिन पहले हम लोग साउथ इंडिया में थे साउथ इंडिया के इस दौरे में मैंने महसूस किया कि लोग जिनके पास हम कभी गए भी नहीं जो आज हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं वो सिर्फ हम लोगों की सक्सेस स्टोरीज को हमारी अचीवमेंट्स को देखकर उन्होंने कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि हमें स्पेशली हमारी जो थी उनको हमारी एक मीटिंग की जरूरत थी कि हम मिलना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो हमें एड्रेस करे अब सोचिए हजारों किलोमीटर लोग दूर बैठे हुए हैं और वो फेसबुक में यूट्यूब में कहीं ना कहीं से उनके पास जानकारियां आ रही हैं कि आज बहुत शानदार तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं यकीन करना मुझे कॉर्पोरेट की तरफ से भी कहा गया कि बिल्कुल आप ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए हम अलग अलग रीजन में ऐसा करना चाहते हैं जैसा आप आई नेट में कर रहे हैं तो ये आई नेट के जितने भी लीडर है ना आपके लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ हो नहीं सकता है जो आई नेट के लॉयल लीडर हैं जो आई नेट के कोर लीडर हैं जो वाकई में आई नेट की पूजा करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है मैं जब ये कहता हूं ना कि क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है चक्कर में इसमें कोई दम्ब नहीं है इसमें अभिमान नहीं है इसमें कोई घमंड नहीं है इसके पीछे दम है दम प्रैक्टिकल फैक्ट जो हम बोलते हैं हम दिल से बोलते हैं हम मार्केटिंग इस तरीके से नहीं करते हैं मार्केटिंग तो करनी है बिजनेस ही मार्केटिंग का है बट मार्केटिंग में जब आप झूठ बोलते हो चीटिंग करते हो फ्रेम करते हो धोखा देते हो काट की हांडी में कहते हैं ना कि एक बार खाना बन जाएगा दो बन जाएगा बार बार खाना नहीं बन सकता है कुछ लोगों को कुछ टाइम तक कुछ जगह पर बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन लंबे टाइम तक ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता चांस तैतीस साल से काम कर रही है पूरी दुनिया में कर रही है आई डी सिस्टम के जो लीडर हैं अगर मैं बात करूं शुरुआत जहां से मैंने किया है मुझे बाईस साल हो गए इन सालों में हमने जिस तरीके से काम किया है हमें खुद प्राउड होता है हमारी अचीवमेंट के लिए नहीं इस अचीवमेंट को लेने के लिए जिन पैरामीटर्स को हमने अपनाया जिन प्रोटोकॉल को अपनाया हमने जो हमारे एथिक्स हैं वर्क एथिक्स हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हम फैमिली के फैमिली कल्चर के ऊपर विश्वास करते हैं हम टियांस बिजनेस को एक टियांस फैमिली की तरह आगे ले जा जैसे हमारी घर की फैमिली होती है जहां आप हस्बैंड हैं वाइफ हैं बच्चे हैं मदर हैं फादर हैं एज इट इज़ मैं टियांस में महसूस करता हूं टियांस आई टी नेट सिस्टम है एक टियांस वो कंपनी है जिसमें पूरी दुनिया के लोग जुड़े हैं और इस टियांस में बहुत सारे सिस्टम लोगों ने बनाए हैं अलग अलग लीडर अपने सिस्टम बना रहे हैं जिनको लगता है कि मुझे अपना सिस्टम बनाना चाहिए तो बनाते हैं कोई दो राय नहीं है मेरे सीनियर ने भी बनाए होंगे सिस्टम मेरे जूनियर भी बना सकते हैं सिस्टम कोई दो राय नहीं इसमें बनाए सिस्टम चलाया अच्छी बात है जिसको लगता है कि मैं खुद ही बना सकता हूँ चला सकता हूँ उनके लिए हमेशा शुभकामनाएं मुबारकबाद भी है बट ये चीज़ें ये तब हैं जब वाकई में ना उस लेवल पे आप लीड कर रहे हो खाली आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो उसका कोई मीनिंग नहीं है उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मनी वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी पैदा कर रहे हो हाँ जब आपको लगता है यस यू आर कैपेबल यू कैन डू इट आप एक रोल मॉडल बन चुके हो करना चाहिए परिवार एक परिवार होता है जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार अलग अलग चलता है कोई दुराई नहीं है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने अपने काम को अपने अपने हिसाब से करते हैं उसमें तो कोई धुराई नहीं है कोई तो बुराई भी नहीं है बट जब तक उस मेच्योरिटी पे नहीं है उतने अचीवमेंट्स नहीं है तो परिवार अगर बंदा रहता है कहते हैं ना कि आपने देखा होगा बहुत सारे परिवार एकता में रहते हैं और एकता में रहने से क्या होता है उस परिवार के प्रति लोगों का नज़रिया बड़ा अलग होता है उन परिवार में जो एकता होती है जिसकी वजह से लोग उनको मानते हैं जब आप इकट्ठे होते हो तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जब आप अलग अलग होते हो अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप बिखर जाते हो तो अगर आपके पास पावर है अचीवमेंट है लेवल्स हैं रैंक्स हैं तो ये चीज़ें काम करती हैं तो सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि सिस्टम के माध्यम से लोग यूनाइटेड होकर काम करें इकट्ठे होकर काम करें यूनिटी में काम करें तो मैंने महसूस किया है जब हम गए मैंने वहाँ पर जाकर जरूर से मिला हूँ मैं से मैंने बात की उन्होंने एक ही बात कही कि सर जो आप करते हैं ना आप हमें वो सिखाइए आप करते क्या हैं आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं मैंने कहा कि जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है जितना मेरी नॉलेज है मैं उसको शेयर कर सकता हूँ आपके बीच राइट बट आपको देखना है कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो क्योंकि आप जो कर रहे थे और अचानक जो मैं आपको बताऊंगा हो सकता है उसमें काफ़ी फर्क हो तो आप जो कर रहे थे उसको भी इस तरीके से मर्ज करना है कि जो आप नई चीज़ अडोप्ट कर रहे हो तो उससे कोई पुरानी चीज़ डिस्टर्ब ना हो और यकीन करना जब वहां के लीडर्स ने रिक्वेस्ट की इन चीज़ों के ऊपर तो हमने डिस्कस किया वहां पे शेयर की चीज़ें और सेम चीज़ें मुझे जब कॉर्पोरेट की तरफ से कंपनी की तरफ से यही मैसेज आया कि सर हम चाहते हैं जैसे आप आई डी नेट सिस्टम में चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं आप ऐसा ही कुछ माहौल हम चाहते हैं कुछ डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कीम को इस तरीके से गाइड किया जाए तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है बहुत ऑनर है ये ये बिकॉज कि इस तरह का माहौल इस तरह का कल्चर हम सब ने मिलकर बनाया है किसी एक की वजह से नहीं है ये हम सब की वजह से मैं जब वहाँ गया तो मैंने जो मिशन गोल्ड लाइन हमारा आई डी नेट का बहुत फेवरेट नारा है सबका सपना गोल्ड लाइन अपना राइट यकीन करना ये जो ये जो इसके पीछे साइकोलॉजी है इसके पीछे जो साइंस है वो कितनी पावरफुल है उसको समझने के लिए सिस्टम में आना सिस्टम में रहना पड़ता है वो फीलिंग आ ही नहीं सकती है आप में से जो भी लीडर चाहते हैं ना कि मुझे गोल्ड लाइन बनना है आप खाली सोचो ना कि मैं गोल्ड लाइन बनना चाहता हूँ आपके चेहने से होता है तो अभी तक आप बन गए यकीन करना मुझे ऐसे से लोग दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच सात आठ आठ दस दस साल हो गए वो गोल्ड लाइन नहीं है और आगे भी मुझे संभावना नहीं नजर आ रही कि अगले दस साल में गोल्ड लाइन बनेंगे सोचो आप क्यों वाई अगर आपने पांच दस साल लगा लिए उसके बाद भी आपकी संभावना नजर क्यों नहीं आ रही है क्योंकि आपका फोकस नहीं है आपका कल्चर नहीं है आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है आप ना खुद रहते हो ना आपकी टीम जब आप ही नहीं रहते हो तो आपकी टीम भी नहीं रहेगी क्योंकि इनिशियली आपकी टीम जो है वो आपसे कहीं ना कहीं पर इन्फ्लुएंस्ड होती है आपका इन्फ्लुएंशियल होता है उनके ऊपर में वो आपको देखते हैं क्या जब ये एट स्टार है ये ब्रॉन्ज लाइन है ये सिल्वर लाइन है ये सेवन स्टार है जब यही चीजों को फॉलो नहीं कर रहा तो ये कोई इतनी सीरियस चीज नहीं है इसीलिए लोग घिसते चले जाते हैं घिसते चले जाते हैं और बोलते हम तो लगे हुए सर हम तो टिके हुए सर खाली टिके रहने से सिर्फ खाली त्यांस में टिके रहने से काम नहीं होगा इत्यांस में एक सिस्टम में टिके रहने से उस सिस्टम के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट करने से अपना एक्सपोजर देने से जो दिखता है वो बिकता है इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है जो हम बोलते हैं किसी को नहीं सुनाई देता सब बहरे हो जाते हैं जब मैं बोलता हूं लेकिन जो मैं करता हूं आपकी आंखें सुनती है आपके कान नहीं सुनते हैं आपकी आंखें भी सुनती हैं और जिसको ये बात समझ आ गई यस सर हमने अपनी आंखों से सुना है आप ये नहीं बोलते मैंने अपनी आंखों से देखा है आप ये बोलते हैं, मैंने अपनी आंखों से सुना है वहां मैजिक शुरू होता है अगर आप चाहते हो ना आपकी जिंदगी में मैजिक हो वो मैजिक उस दिन शुरू होगा जिस दिन ये कंसिस्टेंटली लगातार परसिस्टेंटली आप करेंगे यकीन करना ये काम मैं कर रहा हूं आपके सामने लाइव हूं मैं पिछले चार साल से आप मुझे वेबिनार में देख रहे हैं मेरा जो प्रेजेंस रेशियो है दैट इज मोर देन का है आप सोचिए नाइनटी एट परसेंट से भी ज्यादा हो सकता है नाइनटी नाइन परसेंट हो मेरा एक या दो परसेंट भी वो एक्सीडेंटली है कि मैं टूर में आऊँ मेरा सिग्नल नहीं मिल रहा है कोई ऐसी स्पेशल कोई दुख सुख की बात है तो मैं पैनल में नहीं होता हूँ चार साल का मतलब होता है दोस्तों पिछले 1400 दिन लगभग लगभग राइट अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 14 1500 दिनों में मेरी मुश्किल से 50 वीडियो आ होंगी मुश्किल से सोचो आप लगातार कंसिस्टेंटली मैं आपके बीच में वीडियो में रहता हूं व्हाई मैं 10 लाख रुपए से ज्यादा का पैसे कमा रहा हूं मोर देन 10 लाख रुपीस की अर्निंग है मेरी स्टिल मेरे लोगो का बिजनेस आता है स्टिल व्हाई बिकॉज मुझे पता है इसका जबरदस्त फायदा मिल रहा है और कब मिला है जब मैंने ये किया है इस पैनल में पचास लोग आते थे तब भी मेरे पास इतना ही जोश होता था मेरे टीम में सौ लोग भी आते थे डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ तीन सौ साढ़े तीन सौ चार सौ भी आए ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे राइट बहुत सारी चीजें हुई स्टिल मैं इस सिस्टम में क्यों मुझे पता है इसका हंड्रेड बेनिफिट है इसके कई फायदे हैं मैं आप बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग जो इस सिस्टम में नहीं भी आते हैं ना इसका जादू उधर भी है जो ये गर्मी है ना इधर इस गर्मी का असर उनको वहां भी होता है जो इस पैनल में नहीं आते हैं दिमाग तो उनका भी हिला रहता है कि भाई साहब ये तो हमारे बिना भी कर जाएंगे वो किसी वजह से नहीं भी आ रहे ना यकीन करना वो टियांस को भूल नहीं सकते हैं वो आई नेट सिस्टम को नहीं भूल सकते हैं और टियांस में काम करना उनके लिए जरूरत है मजबूरी है क्यों क्योंकि उनके अगल बगल वाले सिस्टम में जो आप सिस्टम में है ना यहां पर आपको देखकर आपकी टीम के ना जाने कितने लोगों का दिमाग हिला पड़ा है उनको पता है भाई साहब हम करें ना करें ये तो कर जाएंगे ये तो लगे पड़े पागलों की तरह इतना ही एनफ है कहते ना सिर्फ खड़े होने मात्र से चीजें बदल जाती हैं और इसका असर ये हुआ है हम चौतरफा ग्रोथ कर रहे हैं चौतरफा अलग अलग टीम में अलग अलग लीडर नियसली अपने आप को आगे ले जा रहे हैं वाई बिकॉज इसमें पावर है इसमें एनर्जी है इसके फायदे को आपको समझना होगा गोल्ड लाइन खाली सोचने से और बोलने से नहीं आएगा यकीन करना अगर गोल्ड लाइन बनना है और जल्दी बनना है एक होता है गोल्ड लाइन बनना और एक होता है जल्दी बनना इंपॉर्टेंट जल्दी बनने में है बन तो आप कभी भी जाओगे क्योंकि क्यूमिटी प्लान है गिरते पड़ते गिरते पड़ते एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा गोल्ड लाइन बन गए क्या करेंगे ऐसे गोल्ड लाइन बनने से राइट right? लेकिन आपको गोल्ड लाइन बनना है एक साल के अंदर दो साल के अंदर तीन साल के अंदर अगर आप तीन साल के अंदर गोल्ड लाइन बनना चाहते हैं कोई भी शख्स जो आज जुड़ा है आज पहली बार उसको मैं कह रहा हूं आप तीन साल के अंदर गोल्ड लाइन बन सकते हो जो लोग यहाँ पे एट स्टार है सेवन स्टार है सेवन स्टार एट स्टार दो साल में गोल्ड बन सकते हो और जो यहाँ पे ब्रॉन्ज लाइन है अगले एक साल में गोल्ड लाइन बन सकते हो जितने भी ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन बैठे हैं आपको एक साल में गोल्ड लाइन बनना चाहिए क्या आपके अंदर ऐसी स्प्रिट है क्या ऐसी आपके अंदर फीलिंग है क्या आप इस एनर्जी के साथ में आगे बढ़ रहे हो क्यों नहीं क्या ये बिजनेस आप किसके लिए कर रहे हैं अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए क्या आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी शानदार हो जबरदस्त हो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार की जिंदगी शानदार हो जबरदस्त हो आप क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं सिर्फ खाली सोचने से और बोलने से नहीं होगा तो आपको खुद पता चलता है हम कितने पानी में मुझे खुद पता होता है मैं कितने पानी में मैं क्या कर रहा हूं हम सबको अपना हंड्रेड परसेंट लगाना होगा मैं आपको पतना तो चाहूंगा मैंने अगले पाँच साल के टारगेट बनाए में अगले पाँच साल के गोल सेट है पाँच साल के ड्रीम्स लिखे हुए कि बड़े बड़े टारगेट हैं बड़े बड़े गोल उनको भी हिट करना है क्यों क्योंकि जब आपके टारगेट होते हैं गोल होते हैं ना तो फिर कोई जगाता नहीं आप बताता नहीं है कोई फोन नहीं करता आ जाओ पैनल में आ जाओ मीटिंग में आ जाओ बी में आ जाओ सेमिनार में आप बोलते हो मैं इतने लोगों को लेके आ रहा हूँ मैं इतनी टीम के साथ आ रहा हूँ मेरी इतनी टिकट बुक करा दो सर चाहे वो पांच सौ रुपये की टिकट है चाहे वो एक हजार रुपये की टिकट है या दो हजार की टिकट भी है आप क्या करते हो वाई बिकॉज आप रियलाइज कर चुके हो कि इस बिजनेस से मेरी जिंदगी बदलने वाली है और इस बिजनेस के लिए मैं अपनी जिंदगी लगाने वाला क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही चीज़ देखी है दोस्तों जिन लोगों ने इस काम के प्रति समर्पण कर दिया ना समर्पण उसका काम हो जाना है जिसको डाउट है जिसके पास कंप्लेंट है जिसके पास ईगो है वो वहाँ ख़त्म है आपके पास जीरो ईगो जीरो ईगो जीरो ईगो जीरो कंप्लेंट जीरो कंप्लेंट जीरो कंप्लेंट अगर ये नहीं है यकीन करना बहुत चैलेंज आपको बिलीव करना होगा हंड्रेड परसेंट बिलीव और इसके साथ में काम करना होगा खाली हम बिलीव कर रहे हैं हम पॉजिटिव हैं ये बोलने से जिंदगी नहीं बदलती ये अच्छा है नेगेटिव होने से अच्छा है राइट पॉजिटिव आप डाउट करने से अच्छा है कि आप बिलीव करते हो लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे रिएक्शन नहीं होगा ईच एक्शन हैजे रिएक्शन आप घर से निकलो दिन में आप काम करोगे एक मीटिंग दो मीटिंग तीन मीटिंग आपने की यकीन करना अगर आपने कंसिस्टेंटली किया महीने के एंड में दो महीने बाद तीन महीने बाद छह महीने बाद एक साल बाद जब मुड़ के देखोगे ना आप बहुत कुछ हो चुका होगा आपकी टीम में आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कैसे कौन कौन कहां कहा टूर हो रहा है फंड हो रहा है एट स्टार ब्रॉन्ज लाइन गोल्डन की तरफ तो जा रहे हो आप वाई क्योंकि जितना आप कर सकते हैं ना हर रोज आप उतने के लिए सोचिए आपने ताकत बनाया गोल्डन जाना है लेकिन आपको पता होना चाहिए चार लाइनों में काम करने से गोल्ड लाइन बनते हैं चार टीम पहले दिन से अगर चार टीम में काम करोगे तो यकीन करना कभी कोई टीम काम करेगी कभी कोई टीम, कभी कोई टीम कभी कोई टीम कभी कोई टीम आप कभी खाली नहीं रहने वाले हैं आपकी चार लाइनें हैं चारों लाइनें आपको कहीं ना कहीं बिजी रखेगी और आपको बिजी रहना चाहिए आपको हर लाइन में अपने अलग काम करना चाहिए और आपको आगे रह के देखना है कहां मुझे काम करना है कैसे काम करना है अगर आपकी टीम अगर आगे रह के नहीं काम करे उनको पुश करना है उनको पुल करना है और उनको मोटिवेट करना है उनको इंस्पायर करना है सिस्टम में डालना है मीटिंग में डालना है क्योंकि जो वहां चमत्कार होता है वो यहां भी नहीं होता है जो बीबीएस में आके चमत्कार होता है वो चमत्कार वेबिनार में नहीं होता है और जो वेबिनार में चमत्कार होता है वो घर में बैठ के और टीवी वी टू वी देखने से कोई सीरियल सुरियल देखने से नहीं हो सकता है और जो लोग कंफ्यूज है ना एक सिस्टम दो सिस्टम तीन सिस्टम मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिस्टम का खेल नहीं है सिस्टम आपके अंदर है आपने अगर एक पट्टे लगा दिया ना यूं करके एक जगह पर तो आपकी टीम भी ऐसे पट्टे लगाई अगर आपने पट्टे खोल रखे हैं कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो कभी इसकी सुनते हो कभी उसकी एक ही चीज है तिल एट स्टार आपको नो क्रॉस लाइन किसी भी क्रॉस लाइन से कोई बात करने की जरूरत नहीं आप अगर आपकी आप किसी को जानते हो तो आप जानते हो ठीक है नमस्ते कर सकते हो इट नमस्ते कर दिया आपने हाल चाल पूछा फिनिश कोई भी बिजनेस की बात नहीं अगर आप दूसरी टीम से पूछते हो तेरा क्या चल रहा है इधर उधर लेफ्ट राइट मेरा तो चल नहीं रहा रहा है मेरे को दिक्कत दिक्कत ये दूसरा कह रहा। इसका मतलब क्या है कि आप फिनिश इसका मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है ना करप्ट है आपका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है और जब सॉफ्टवेयर ठीक नहीं होगा तो फंक्शन कैसे करेगा वो अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करना है अपने माइंड को ठीक करना है अपने पता होना चाहिए वायरस कहाँ आपको पता है एंटी वायरस लगाया जाता है कंप्यूटर में क्यों लगाया जाता है कि वायरस ना आ जाए खुला छोड़ दो ना कंप्यूटर क्या दिक्कत है कोई भी वायरस आएगा उड़ा के ले जाएगा हार्ड डिस्क को क्या कर लोगे आप सारा डाटा करप्ट हो जाएगा क्या कर लोगे आप क्यों इसीलिए एंटी वायरस लगाया जाता है एंटी वायरस का मतलब होता है सिस्टम में एक सिस्टम में रहना और सिस्टम ये कहता है टिल एट स्टार आपको नोट एट स्टार इसलिए बोला जाता है जैसे कहा जाता है ना कि अठारह साल की उम्र तक आप इक्कीस साल की उम्र में अठारह साल की उम्र में आपको वोट देने का अधिकार है राइट उससे पहले अधिकार नहीं है वाई भाई आप नागरिक तो पहले दिन से तो हो पैदा हो तो गए तब से नागरिक थे आप इंडिया के लेकिन आपको अधिकार अठारह साल में दिया जाता है क्योंकि अट्ठारह साल की उम्र तक आप मेच्योर हो जाते हो आपको एक समझ आ सकती है कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो सकती है आप लेते हो नहीं लेते हो वो अलग बात है उससे पहले आपको मौका नहीं मिलता सेम चीज है कि आप प्रोटोकॉल होना चाहिए आपको अपनी अपलाइन को सुनना चाहिए आप किसी को नहीं सुनते हैं आप सिस्टम को सुनिए सिस्टम यही कहता है कि आपको किसी भी क्रॉस लाइन से कोई बातचीत नहीं करनी बिजनेस की किसके बाद जाते हो कहा जा रहे हो कहा आ रहे हो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कैसे कर रहे हो नथिंग आप कोई नहीं हो अभी आप चार दिन पहले पैदा हो गए अपने आप को हीरो नहीं समझना है हम चार दिन पहले हो गए हम तो लीडर बन गए अच्छा आप तो फोर स्टार हो हम तो सिक्स स्टार हम तो सेवन स्टार है कुछ नहीं है सिक्स स्टार सेवन स्टार एट स्टार नथिंग मैं यकीन करना यहां यहां तक मैं कहता हूं ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन इवन गोल्ड लाइन भी कुछ नहीं है अगर साल दो साल तीन साल में कोई आदमी गोल्ड लाइन बनता है इज बेबी बन गए मेहनत करके बने लेकिन अभी एक्सपीरियंस लिमिटेड है अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं आई है साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल तक जब गोल्ड लाइन या स्टार गोल्ड लाइन या डायरेक्टर बनोगे ना पांच साल दस साल इस इंडस्ट्री में लगाओगे तब आप बोल सकते हो कि यस हम मास्टर बन गए हैं इसमें ग्रैंड मास्टर बन गए आप कब बने हैं जब इस नाम इंडस्ट्री में आप पाँच साल से सात साल से दस साल से काम कर रहे हो खाली आपकी पोजीशन आपकी अगर दो साल में आप गोल्ड लाइन बन जाओगे यकीन करना पैसे कमा रहे होंगे सब कुछ कमा रहे होंगे लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता आपके पास वो मास्टरी नहीं हो सकती है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती इस बिजनेस की तो आपके सीनियर का लेवल क्या है या आपका लेवल क्या है फर्क नहीं पड़ता है सिस्टम इसीलिए बनाया गया है कि सिस्टम बोलता है ये करो ये मत करो ये करो ये मत करो जो बोला जा रहा है उसको करना है करना क्या है वो तो जरूरी है क्या नहीं करना है उससे भी ज्यादा जरूरी है कहते हैं ना कि अच्छी संगत में रहना बहुत अच्छी बात है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुरी संगत से बचना आप अच्छी संगत में भी हो बुरी संगत में भी हो तो असर किसका होगा आपके ऊपर सेम चीज है प्रोटोकॉल यही है नो क्रॉस लाइनिंग नो काउंसलिंग किसी से काउंसलिंग काउंसलिंग किससे करनी है अपलाइन ग्रोइंग अपलाइन अपलाइन नहीं ग्रोइंग अपलाइन ग्रोइंग मतलब जो ग्रोथ ले रहा है जो मेहनत कर रहा है काम कर रहा है उसके ऐसे अपलायंस है क्यों हर बात हो सकता है आपके सीनियर तक ना पहुंच सको आप आपके सीनियर सक्सेसफुल सीनियर मेंटर बहुत ऊंचे लेवल पर हो सकते हैं वहां तक आप बार बार नहीं पहुंच सकते हो लेकिन इमीडिएटली जो आपके सीनियर हैं जो एक्टिव हैं ग्रोइंग हैं ऐसे लोगों को टच में रहिए क्योंकि अगर इन चीजों का आप पालन करेंगे यकीन करना ये आपका एंटी वायरस का, का काम करेंगे आप गोल्डन लाइन बनना चाहते हो इसके लिए मस्ट है मस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जिन लोगों ने इस तरीके से काम किया है उनकी ग्रोथ जबरदस्त हुई है आज भी हो रही है आने वाले टाइम में भी होनी है जो चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं हमें पता है हम अपने हिसाब से कर लेंगे यकीन करना समय खराब हो जाएगा वक्त खराब हो जाएगा आपकी मेहनत जाया चली जाएगी और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हो जल्दी से गोल्ड लाइन बनना है तो जो चीज़ें यहाँ हमारे लीडर आपको बताते रहते हैं टाइम टाइम पर हम खुद आते हैं जब भी मौका मिलता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीज़ें होती है बताने के लिए लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैंने आपको बताया अगर आप क्रॉस लाइनिंग में लगे हो अगर आपने क्रॉस लाइनिंग की है या आपकी टीम में क्रॉस लाइन करने की कल्चर चल रहा है यकीन करना बहुत टफ है आपके लिए आपको एजुकेट करना होगा उसके लिए आपको लीड करना होगा आप आगे रह कर जब आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी टीम भी करती है जब खुद नहीं करते हो तो आप जिस को बोलने का हक रखते हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप क्रॉस लाइनिंग नहीं करें आप अपने प्रोटोकॉल अपने सिस्टम को जो आपके सीनियर हैं जो ग्रोइंग लीडर है उनको फॉलो कीजिए उनसे आप काउंसलिंग कीजिए उनसे डिस्कस करिए राइट ये मत पूछिए कि कुछ लोग पूछते हैं ना कि आते हैं सीनियर क्या मदद करेगा मेरी मैं आपको बताना चाहूँगा आपका सीनियर सिर्फ आपको टीच कर सकता है आपको गाइड कर सकता है वो दिखा सकता है कैसे मीटिंग होती है ऐसे डेमो होता है ऐसे प्रेजेंटेशन होती है ऐसे क्लोजिंग होती है दैट्स इट करना आपको ही है आपका सीनियर के करने से आपका नहीं होने वाला आपको अपने हिस्से का करना है आपके सीनियर ने अपने हिस्से का किया है आपको अपने हिस्से का करना है आपकी टीम को अपने हिस्से का सबको अपने अपने हिस्से का करना है बट ये सोच के करना है अगर हम हैं तो माहौल बन जाएगा जहां पर हम सब मिलकर कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं हम सब मिलकर कर रहे हैं वहाँ मामला सेट होना है तो कभी मैं नहीं आनी चाहिए कि मैं कर रहा हूं आपको यह आना चाहिए हम कर रहे हैं जब आपके शब्दों में हम वर्ड आता है तो आप पावरफुल हो जाते हो और जब आप मैं शब्द आता है तो आप कमज़ोर हो जाते हो तो हम यहाँ पर पावरफुल क्यों हैं क्योंकि हम बन के काम कर रहे हैं बहुत शानदार इवेंट हुआ हमारा एक तारीख को गुजरात में आठ तारीख को हमारा शानदार प्रोग्राम हुआ मंडी में फिर उसके बाद आपने देखा पंद्रह तारीख को हमने किया फरीदाबाद में जो कि आज तक का वन ऑफ द बेस्ट आई सिस्टम का बीबीएस था जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में बनाया गया बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है और जो हम अगले इवेंट करेंगे जिसकी हम पूरी प्लानिंग करेंगे जिसमें हमारा टारगेट है हम एक हज़ार से ज़्यादा लीडर के साथ में प्रोग्राम करेंगे और इसके अलावा दोस्तों अभी साउथ इंडिया का विजिट बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर ऑलरेडी हमारी नई टीमें डेवलप हुई हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि जैसे मैंने महसूस किया जैसे हिमाचल लोग जैसे के लोग हैं जैसे गुजरात के लोग हैं जैसे दिल्ली में लोग ऐसे वहाँ भी हैं जब यहाँ हो रहा है तो वहाँ क्यों नहीं वहाँ शानदार होने वाला है अभी हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ यहाँ तीनों जगह में हमारा नेटवर्क है बट साउथ में नहीं था बट हमने साउथ में जिस तरीके से एंट्री ली है जिस तक मैं वहाँ माहौल देख रहा हूँ बहुत जल्दी आने वाले छः महीने के अंदर आने वाले एक साल के अंदर आप साउथ में भी आई नेट की धमक देखने वाले हैं और हम लोग मिलकर साउथ इंडिया को भी डेवलप करने वाले हैं तो देश का कोई कोना नहीं होने वाला है जो आने वाले टाइम में टीम टियांस आई नेट सिस्टम के माध्यम से रॉक नहीं करे और टॉप ना करें तो ये आप हो आपने डिसाइड करना है कि गोल्ड लाइन कब बनना है कितना जल्दी बनना है कितनी जल्दी है और गोल्ड लाइन बनने के लिए आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है जब आप बिल्डिंग बनाते हो चार चार आपने देखा पिलर होते हैं है ना अगर चारों पिलर अगर आपके मजबूत हैं अगर चारों पिलर को आपने मजबूत कर दिया तो आपकी जो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है आप बिल्डिंग तो बनाना चाहते हो आपके एक ही पिलर है या दो ही है क्या होगा तीन ही है तो क्या होगा चार भी है एक कमजोर है चारों के चारों को मजबूत करना है चारों को एट स्टाप बनाना है चारों लाइनों को और चारों लाइनों में मजबूती लानी है मजबूती अगर कोई खंभा कमजोर होगा कोई भी आप पिलर कमज़ोर होगा ना तो वो बिल्डिंग बड़ी ऊंची नहीं जा सकती है बन तो जाएगी लेकिन हमेशा डर रहेगा कि बिल्डिंग कब गिर जाए इसलिए आपको चारों लाइन को मजबूत करना है और जोर लगाना है जितनी खुद समझ आती है उतनी नहीं तो अपने सीनियर से बात करो उनके ऊपर भी सीनियर है काउंसलिंग करने की आदत डाली है लोग तो बात ही नहीं करते मैंने देखा ना कई लोगों को बात करने में दिक्कत है कि मैं सीनियर से क्यों बात करूं है ना अरे सीनियर से बात करोगे सीनियर तो फ्री में आपको काउंसलर बन गया नहीं तो लोग पैसे लेते हैं काउंसलिंग करने के कंसल्टेशन के पैसे लेते हैं यहाँ आपको सीनियर मिल गया जिनके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को फायदा उठाइए क्योंकि जब आप अपने सीनियर के साथ में डिस्कस करके कोई चीज़ करते हो तो आपका हौसला आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए बट आज के सेशन को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा कि हम सब का मिशन है गोल्डन बनना है गोल्डन बनाना है गोल्डन से आगे की यात्रा अपने आप तय हो जाती है गोल्डन लाइन से ऊपर के रैंक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अगर आपकी टीम में गोल्डन बनना और गोल्डन बनाना कल्चर है तो टियांस के जो टॉप रैंक हैं वो आपके मुट्ठी में है मैंने इसी महसूस के साथ में इस काम को किया है और मैं देख रहा हूँ मैं अपने आप को बहुत नज़दीक दुख पा रहा हूँ इन चीज़ों में यस जिस फिलासफ़ी को जिन पैरामीटर्स को जिन प्रोटोकॉल को हमने फॉलो किया उनका असर हमें आज नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े हम सरप्राइज देंगे एक दूसरे के साथ में तो आज के लिए इतना ही मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा ईश्वर का उनकी कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है कुछ भी आज जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है थैंक यू टू गॉड थैंक यू टू आवर फैमिली थैंक यू टू आवर चेयरमैन Lee sir. थैंक यू टू यू थैंक यू टू everyone. आप सभी के लिए एक ही दुआ है कि आप अभी दुबई धाबी का टूर है हर हालात में क्वालिफाई करेंगे आप हमारे साथ इंटरनेशनल टूर में जाने वाले हैं आपका पहला इंटरनेशनल टूर होने वाला है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कार फंड होने वाला है इस साल 2024-25 का 2024 का निकल गया 25 का कागज़ चल रहा है आप में से कितने लीडर्स हैं जो कार फंड लेने वाले हैं आप महसूस कर रहे होंगे कि यस मैं भी लूंगा तो आप कार फंड लेने वाले हैं राइट आपके साथ में इंटरनेशनल टूर होने वाला है आप ग्लोबल रॉयल्टी पे जाने वाले हैं 2025 में क्या आप तैयार हैं 2025 में ग्लोबल रॉयल्टी पे जाने वाले हैं आप जितने भी एट स्टार है इवन सेवन स्टार हैं आप दो में रॉयल्टी ब्रॉन्ज लाइन या सिल्वर लाइन या गोल्ड लाइन हिट कर सकते हैं तो ये मन में आपके विश्वास और मन में ये जज्बा यस मुझे गोल्ड लाइन बनना है अगर ये स्पिरिट आपके पास है यकीन करना आप गोल्डन बनेंगे बस एक ही कंडीशन है एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट तो एक्शन लेना है हर रोज लेना है छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे कर्म जो है आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि दिलाने वाले हैं ये आपके लिए दुआ है ये प्रार्थना है भगवान से और लास्ट में हमारे मैजिक मंत्रो है लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच और अब मैं आपके बीच में कुछ शेयरिंग लेना चाहूँगा और फिर हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो जैसे कि आपने महसूस किया आज हम कुछ दिनों की दर्शक दीर्गा से बाहर निकल के आपके बीच में आए अपनी स्पीच दी और नहीं तो मैं सुन ही रहा था आपको पिछले तीन चार दिन से लगातार मुझे मौका भी मिला शेयरिंग करने का हालांकि तो अभी मैं आपको अपने बीच में देखा हूँ हमारे ग्रेट लीडर गोल्डन लाइन लीडर तो राजेश कुमार सोम सर हैं और उनके मुंह से उनके मुखर बिंदु से हम एक शॉर्ट मैसेज लेना चाहेंगे और सभी लीडर से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही महसूस करें शॉर्ट दो से तीन मिनट का टाइम और हम दिल की बातें मन की बातें वेलकम सर हाउ इज द जोश राजेश कुमार सोम सर अब गोल्ड लाइन फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग लीडर्स थैंक थैंक यू यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया और मैं बहुत ही आभारी हूँ आइडनेस सिस्टम का और आपका क्योंकि मुझे कल एक मौका मिला जो सबसे रूबरू होने का और कल का भी एक सेशन था गोल्ड लाइन के ऊपर ही डिस्कस किया था काफी और वह ये जो सिस्टम है आइडन सिस्टम मैं कल भी पढ़ाई कर रहा था आज भी कह रहा हूँ कि ये गोल्ड लाइन बनाने की फैक्ट्री है यहाँ केवल एक ही क्योंकि जो हमारा मंत्र है ना उसमें भी गो गोल्ड लाइन सुन सभी गोल्ड लाइन जाना है और ये एहसास आपको कब होगा जब गोल्ड लाइन बन जाएंगे क्योंकि जब से हम गोल्ड लाइन बने हैं ना तो हमारी जिंदगी में कितना बदलाव आया है ये हम महसूस भैस, कर रहे हैं और पूरी फैमिली आज एंजॉय कर रही है आज हमें पैसे की दिक्कत खत्म हो चुकी है सिक्स फिगर इनकम मेंटेन कर रहे हैं काफी दिनों से और जो भी इंजॉयमेंट लाइफ का होता है ना फैमिली के साथ और अपने लाइफ के लिए वो टोटल इंजॉय आज यहाँ आ रहा है क्योंकि हम एज ए रॉयल्टी अचीवर हैं हम रात को सोने का पैसा लेते हैं कंपनी ने ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि जो रात को हम सोते हैं तब भी हमारे अकाउंट में छींटे पड़ते रहते हैं एज ए रॉयल्टी तो ये बिल्कुल सही बात है जो यहाँ सिखाया जा रहा है और पॉल सर जब से हम तो डेली सुनते हैं आज भी सारी बात जो कही वो ग्रोथ की क्योंकि यहाँ बात एक ही होती है कि आपकी लाइफ में बदलाव कैसे आए आपके परिवार की लाइफ में चेंजिंग कैसे आए ये सब का हम सब का मिशन इसी सर इसी मिशन के साथ हम सब अपनी अपनी बातें रखते हैं और आपको एक ऐसा प्लान बनाकर देते हैं ऐसी सोच बनाकर देते हैं जिससे जल्दी से जल्दी, जल्दी आप गोल्ड लाइन क्योंकि ये नज़ारा आपने फरीदाबाद गोल्ड लाइन का किस तरह सम्मान होता है जब मैं गोल्ड लाइन नहीं था ना और मैं जब पीछे बैठा करता था तो मुझे एहसास होता था कि गोल्ड लाइन की वैल्यू क्या है हमें पीछे बैठना पड़ता है तो दिल के अंदर एक जज्बा एक मतलब करने का मन बनता था कि हमें भी गोल्ड लाइन बनना है और वो हमने हिट किया मेहनत की प्रयास किया प्लानिंग किया आर्डले सिस्टम में हम रोज बैठे सुना लीडरों को जिन्होंने जल्दी से सफलता हासिल की है उन सबको सुना कैसे किया है उस सबको सीखते हुए हमने फिल्म में अप्लाई किया और आज गोल्ड लाइन बन गए तो ये बहुत समझने की बात है कि मैंने कल काफी बातें करी थी अपने बारे में भी अपनी लाइफ के बारे में भी गोल्ड लाइन कैसे बना जाए तो ये सब हुआ है तो आर्टीन सिस्टम की वजह से हुआ है क्योंकि मुझे नजर आया जब से हम आर्टिन सिस्टम में आए जब से हम लीडरों के साथ बैठे हमने पॉल सर के साथ अपनी सिटिंग की प्लानिंग की और आज गोल्ड लाइन रैंक पर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है पूरे परिवार को अच्छा लग रहा है तो ये सब कुछ है और मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा क्योंकि तो कल मैंने काफी बात कर ली थी सर और मैं थैंक यू कहूंगा गॉड को क्योंकि तो जिस गॉड ने मुझे धरती भेजा और सबसे बड़ा थैंक यू कहूंगा मिस्टर ली को जो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां आज हम सबकी लाइफ में सिक्सटी थ्री सिक्सटी का यू टर्न आ चुका है और थैंक यू कहूंगा अपने सीनियर अमित पांचाल जी को क्योंकि अगर वो अगर हमारे घर तक नहीं आते तो ट्यांशी हमारे घर में नहीं आती हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे ट्यूशन ही पढ़ाते रह जाते और थैंक यू कहूंगा आइडनेस सिस्टम जिसकी वजह से हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं थैंक यू कहूंगा अपनी प्यारी सी टीम को थैंक यू कहूंगा आप सबको जो आप यहाँ बैठ करके सुनते हैं समझते हैं सीखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं लोगों की रैंक चेंज होती है यहाँ जिनकी रैंक चेंज होती है उनको बोलने का मौका मिलता है बधाई मिलती हैं ये सब कुछ हो रहा है तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच हेलो टहांस हेलो आई बेटर टहांस बेटर लाइफ आई लव टहांस आई लव आई सिस्टम आई मे डायमंड बहुत शानदार सर आपने जिस जज्बे के साथ अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं बहुत शानदार पूरा उत्तर प्रदेश खाली है अभी उत्तर प्रदेश में स्पेशली देहरादून रीजन और इसके अलावा एक और रीजन कल सर बोल रहे थे वह है नैनीताल रीजन दोनों रीजन ओपन हो गए हैं इधर मध्य प्रदेश में इंदौर रीजन और साउथ इंडिया में अभी चेन्नई रीची इवन कोयटूर ये तीनों ही स्टेशन ओपन हुए हैं तो ये जो न्यू न्यू डेवलपमेंट न्यू न्यू रीजन लीडर्स ने शुरू किए हैं ये है न्यू टीम न्यू फ्यूचर तो आप सभी लीडर को यही है कि आप नए नए रीजन में जाइए नए नए रीजन को ओपन कीजिए क्योंकि बहुत सारा काम आपके पास है बहुत सही मार्केट बहुत बड़ी है आज अगर आपने कहीं पे भी पौधा लगा दिया वो आपके समय रहते रहते देखते देखते ही वो पेड़ बन जाएगा अब आप सोचोगे कि मैं अभी एक पौधा हूँ उसको बड़ा कर लूँ बाद में फिर पौधा लगाऊँगा तो क्या है जब लगाना ही है तो अभी से लगाया जाए तो जल्दी करनी है इसमें कहा सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर आप जल्दी करते हैं तो आपके पास में चांसेस हैं क्योंकि ये काम ही ऐसा है इसमें स्पीड के साथ आगे बढ़िए जो करना ही है तो और करने के फायदे भी हैं अगली मैं आवाज़ लेना चाहूँगा शेखर बोरा जी हिमाचल प्रदेश से फरीदाबाद से और नगर है हमारा चेन्नई साउथ इंडिया में शॉर्ट मैसेज के लिए वेलकम शेखर जी एक हफ्ते से आप डटे हुए हैं अवजा जोश ओवर टू यू थैंक यू सर थैंक यू सो मच जोश इज़ वेरी वेरी हाई और बिल्कुल है अभी तंजावुर में हमने जबरदस्त जो प्रोग्राम रहा और जिस तरीके से लोग इंस्पायर हुए बहुत मजा आया और ये मैं बोल भी रहा था बात कर रहा था तो मैंने लोगों को यही बोला कि यहाँ चेन्नई में हम प्लानिंग थी लेकिन अभी जब प्लान हो चुका था मैं लास्ट मंथ आया और सडनली आपका प्रोग्राम हुआ और सडनली हमने भी एक टीम को यहाँ पे स्टार्टअप दिया तो ये कहीं ना कहीं एक कहते ना कि एक साइन था कि नहीं एक नई मार्केट हमारे लिए खड़ी होगी और बिल्कुल सर अभी गोल्ड बनने के बाद ना सिर्फ अंदर एक ही चीज है हर स्टेट में घुसना है हर स्टेट में एक पौधा चाहिए हर स्टेट में एक टीम हमें खड़ी करनी है और अभी से ही हमने उसकी थिंकिंग क्योंकि मैं कहता हूं कि सिल्वर तक ना एनर्जी थी सब था लेकिन गोल्ड आते ही ना कहते ना कि एक कहीं ना कहीं कही एक लेवल अप हो गया है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ चुकी है और वो भी आ, पावर के साथ तो सर अभी हमारी प्लानिंग और भी जोरदार है इस साल के लिए क्योंकि मैं अभी और भी एक दो रीजन को मैं जनरेट करने वाला हूँ और बिल्कुल है कि हम जो है जबरदस्त तरीके से बूम करेंगे में। और में। यंगेस्ट गोल तो है लेकिन यंगेस्ट डायरेक्टर बनना है अब सिर्फ मिशन एक ही है कि यंगेस्ट डायरेक्टर बनना है टीएं के अंदर और बिल्कुल है ये सब पॉसिबल हो, हो पाया है बिकॉज ऑफ यू आपका गाइडेंस आपका मेंटरशिप जो रहा आपका जो साथ रहा उस वजह से आज ये सारी चीजें हमारी लाइफ में पॉसिबल हो रही है आई रियली थैंकफुल टू गॉड टू माई पेरेंट्स एंड साथ ही साथ मैं थैंक यू करूंगा मेरी पूरी टीम का बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क तभी आज मैं इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं तो दिल से मैं उन सभी को मैं थैंक यू करूंगा और जितने भी लीडर्स हमारे पैनल में बैठते हैं हमारे गोल्ड हमारे सिल्वर लॉयन इवन हमारे ब्रोंस लॉयन उनसे हमें डेली सीखने को मिलता है तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये हमें और भी ज्यादा स्ट्रोंग बना रहे हैं और बिल्कुल सर विजन क्लियर है क्योंकि हम सिस्टम में लॉयल है हम सिस्टम को हमें सिस्टम पे ट्रस्ट है और हम कॉन्फिडेंट है कि अगर हमारे साथ सिस्टम है हम सिस्टम के साथ है ना तो हंड्रेड परसेंट सक्सेस कोई डाउट नहीं है तो रियल में सर थैंक यू सो मच आपका और अभी चेन्नई में ही है अभी मैं कल कल भी चेन्नई में ही वापस आऊंगा ऑलमोस्ट छह सात दिन हमें चेन्नई में हो गए और जबरदस्त यहाँ पे प्रोग्राम हम कर रहे हैं और बिल्कुल है बहुत जल्दी एक नई टीम के साथ हम पैनल में भी होंगे और बिल्कुल है सर और जोर शोर से काम चल रहा है चारों तरफ और जिस तरीके की अभी एक

द स्प्रिट एंड द अचीवमेंट्स कीप इट अप ऑल द बेस्ट टू यू एंड डेफिनेटली पूरा साउथ इंडिया अभी इंतजार कर रहा है हम सबका और मिलकर हम रॉक करेंगे मैं देख रहा था दोस्तों कि अभी हमने दो दिन पहले ही एक रील डाली थी साढ़े आठ हजार लोग इसको अभी तक देख चुके हैं आप सोचिए ये कौन लोग हैं इसमें बहुत सारे लोग वो हैं उस मार्केट के लोग हैं जिनको जब पता चला कि ये एक रील है हमने उनके लीडर में शेयर किया उन लोगों ने अपनी टीम में शेयर किया सबको अच्छा लगता है जब वो अपने आप को देखते हैं अपने प्रोग्राम को देखते हैं उन्होंने प्रमोट किया उनके सामने मैजिक है आज हमारे लीडर बहुत सारे लीडर हैं जो प्रमोट करते हैं और उनकी टीम में उसका फ़ायदा मिलता है क्योंकि आपके अपने रिजल्ट जब पैदा होंगे तब पैदा होंगे अगर रिजल्ट नहीं है जो रिज़ल्ट है उन रिजल्ट को शेयर कीजिए उन्हीं रिजल्ट से आपका काम हो जाना है बोरो अदर स्टोरी अनटिल यू हैव योर ओन स्टोरी तो क्योंकि स्टोरी बिकती है इस दुनिया में स्टोरी सेल फैक्ट टेल। फैक्ट से बताए जाते हैं उससे बिजनेस नहीं होता है बिजनेस होता है इमोशंस से फीलिंग्स से स्टोरी से और स्टोरी बनती है फीलिंग्स से इमोशन से तो अभी बहुत शानदार तरीके से वनीता राजी हिमाचल में काम कर रही हैं बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपनी टीम को डायरेक्शन दिया है और अपनी टीम के साथ वो आगे बढ़ रही हैं बाकी हम उनके उनसे सुनना चाहेंगे कि जी वनीता जी अविता जोश इस महीने की क्लोजिंग और एक महीना बाकी है दुबई टूर अनबिलीवेबल मैं इतने कहना चाहूँगा लीडर्स जैसे शेखर सर ने कहा क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्ट कन्फर्म तो नहीं है लेकिन और भी बड़ी न्यूज़ ब्रेक होने वाली है इस हफ्ते में मैं उम्मीद करता हूँ फिलहाल जब तक नई न्यूज़ ब्रेक नहीं हो बड़ी न्यूज़ ब्रेक ना हो शानदार न्यूज़ ब्रेक ना हो तब तक मैं चाहूँगा कि फिलहाल हम और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जैसे गुड न्यूज हमारे पास आएगी कुछ प्लानिंग ऐसी बन रही है और ईश्वर ने चाह तो आपको सरप्राइज मिलने वाला है जी वनीता जी बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए ओवर टू यू गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग ऑल थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच बिल्कुल सर अभी गुड न्यूज पे गुड न्यूज आने वाली हैं और क्योंकि अभी नेक्स्ट जो मंथ है अक्टूबर का मंथ है वो दुबई क्लोजिंग का लास्ट मंथ है और अभी लीडर्स अप अपने टारगेट नहीं कहूंगी अचीवमेंट्स के लिए सर बिल्कुल लगे पड़े हैं और क्योंकि मैं तो एक ही बात समझी और लीडर्स जिनको समझ आ गया कि टूर क्यों जरूरी है अगर आप त्यांस में अपना विजन और गोल्ड लाइन डन करना चाहते हैं तो आपको जो त्यांस जिस तरह से टूर देती है पॉलिसीज देती है आपको डन करना और जाना और खुद देख के आना क्योंकि फीलिंग आप खुद ले सकते हैं आपकी फीलिंग आपके पास आप ले सकते हैं देख सकते हैं विजन क्लियर करना और सर हमने भी यहीं से सीखा कि जो त्यांस जिस तरह से त्यांस का मैनेजमेंट की बात करूं या त्यांस कंपनी का जो लेवल की बात करूं जब हम टूर पे जाते हैं तो जिस तरह से कंपनी का अरेंजमेंट होता है सारी चीजें होती हैं और अलग सी जो फीलिंग आती है इंटरनेशनल टूर एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में हर किसी के लिए क्योंकि लोग कहते हैं ना पैसा तो कहीं भी कमा सकते हैं इस तरह से मैं कहती हूँ पैसा तो कमाया होगा कमाते होंगे बट आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद आज कितना पैसा है बट फिर भी वक्त नहीं है और कभी प्लानिंग नहीं कर सकते वो परिवार के साथ वेकेशन पे या लाखों रुपया खर्च करना बट आज हम तैंशियंस की मैं बात करूं जो लीडर्स इस चीज को समझ पाए हैं कि टूर की पावर क्या होती है और इंटरनेशनल टूर और आपका जो एक स्टेम्प लगती है ना पासपोर्ट पे और मुझे लगता है कि शायद पीछे मुड़कर देखना कि शायद आपके परिवार से कोई आज तक गया हो नहीं गया हो मैं ये कह सकती हूँ बट सर रियली 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 ध्यान ने एक नई लाइफ दी है और एक पहचान दी है मैं बोलती हूँ कि अपने आप में एक ऐसी पहचान दी है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी मैं तो सबको एक ही बात कहती हूँ कि जब आप ही की तरह हमने भी त्यांस को स्टार्टअप किया था तो आज जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सी दिक्कतें लोग क्या कह रहे हैं ये वो सो तो मैं की बात समझ आया था या तो जिंदगी भर जिंदगी के पचास साल मेहनत कर लो या फिर जिंदगी के पांच साल मेहनत कर लो अब तय आपको हमको करना है कि पचास साल मेहनत करना मंजूर है या पांच साल मेहनत करना मंजूर है तो सर क्लियर सी बात थी कि पांच साल डट के जम के मेहनत कर लो और पूरे पचास साल एंजॉय कर लो या फिर यहाँ मेहनत नहीं कर रहे तो पचास साल मेहनत कर लो और इंजॉय करने के लिए बख्ती नहीं है तो थैंक यू सर ये शानदार रास्ता और ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जितना थैंक्स करेंगे हम मिस्टर ली सर का और आपका सर और योगराज सर का और मेरी टीम का उतना कम है और इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपनी भी बात करूँ तो अभी नवा इंटरनेशनल टूर है सर और मैं बोलती थी कि कभी सोचा भी नहीं था सीरियसली जब हम छोटे होते थे ना तो प्लेन को उड़ते हुए देखते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन बैठते होंगे इसमें ये कैसे पॉसिबल होता होगा जिंदगी में बट आज त्यांश ने वो उड़ान भी भर दी वो पहचान भी दे दी और हमारे जो पंख बंधे पड़े थे वो खोल दिए और आज एक लग्जरी लाइफ है सर और आज पूछना नहीं है किसी को कि कब क्या करना है और ये सब कुछ एक सपना लगता है जब लाखों रुपए की रॉयलिटी आती है जैसे अभी सोम सर भी कह रहे थे ना कि हम बहुत लक्की है बहुत भाग्यशाली है बट हमारे लक के साथ साथ हमारी जो मेहनत है वो हमें पे कर रही है और यही कहूंगी कि आज आप यहाँ पे पहुंच चुके तो आप सभी बहुत ज्यादा भाग्यशाली है बस सिर्फ अपने आप को चेक करने की जरूरत है और अपने आप को ढालने की जरूरत है और अपने सपनों के लिए लग जाइए जुट जाइए और सर हिमाचल से अभी दुबई टूर का मैं डाटा चेक कर रही थी तो इस बार हम चाइना टूर जो हमारा कन्वर्ट हुआ था जो अभी कैंसिल हुआ है तो आठ नौ लीडर्स के साथ हम चाइना जा रहे थे बट अभी जहाँ का भी रहेगा नो प्रॉब्लम बट अभी मैं देख रही थी कि दुबई में हम इसको डबल कर रहे हैं और मुझे एक अलग सी फीलिंग आ रही है कि दुबई टूर में ना हमारे साथ वो लीडर्स जा रहे हैं जिन्होंने तब ज्वाइन किया है जब दुबई टारगेट आया था जब दुबई टूर आया था उस दौरान ही उन्होंने त्यांस को ज्वाइन किया था और बाकी लीडर्स के लिए तो दस दस हजार टी एन पी भी बिजनेस था बट न्यू ज्वाइनर के लिए सेवन स्टार का टारगेट साथ में था तो शायद बड़ा टारगेट भी था बट रियली रियली आई फील प्राउड कि आज मेरी टीम में ऐसे ऐसे लीडर्स है कि जितनी तारीफ की जाए शायद कम पड़ जाएगी और ऑल क्रेडिट गोज टू योर आई नेट सिस्टम सर ये वो लीडर्स है सर जो आई नेट सिस्टम में है और एक दिन नहीं है दो दिन नहीं है डेली जिसको बोलते हैं ये वो लीडर है जो नौ बजने में भी इंतजार करते हैं कि कब नौ बजेंगे हम अपना जूम पे आएंगे दस बजे ग्यारह बज रहे हैं बारह बजते है क्लोज होते हुए तो ये सबसे पहले आना सबसे लास्ट में जाना और यही बात मैं ऑर्डर लीडर्स को कहती हूँ कि आप अपनी और उन लोगों की अचीवमेंट्स को चेक करो जो डेली जूम पे आते हैं सिस्टम पे आते हैं बीबीएस में आते हैं ग्रुप में एक्टिव रहते हैं फील्ड में रहते हैं वो क्यों अचीवर है अगर आप अचीवर नहीं है तो कमी किस में है कंपनी में तो नहीं है कमी तो हम में है क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हम कमाना तो चाहते हैं अचीवमेंट्स तो चाहते हैं बट हम कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं हम चाहते हैं जुड़ गए हैं जुड़ने से खुद हो जाएगा या सीनियर कर डालेगा या जूनियर कर डालेंगे या टीम कर डालेगी नॉट पॉसिबल क्योंकि परमात्मा भी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है कहाँ क्या चल रहा है ऐसे बिना करे नहीं मिलेगा और यही सर हमने समझा आज मुझे प्राउड है ये बताते हुए कि आज हमारी टीम में अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी शेखर सर को हम सुनते हैं देखते हैं बताते हैं कि इंडिया का फास्टेस्ट और यंगेस्ट गोल्ड लाइन कोई नहीं है हमारे बीच में शेखर सर है वैसे ही आज मेरी हिमाचल टीम से मेरी टीम से अमन ठाकुर इसी महीने अपना ब्रॉन्ज लॉइन हिट कर रहा है सर मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है और सच बात यह है कि अगर मेरे बाद मेरी टीम ने किसी ने कॉपी किया है तो सिर्फ अमन ने किया है और यही वजह है कि आज वो फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट ब्रॉन्स लॉयन अभी इसी मंथ और 2025 101 परसेंट सर वो फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट गोल्ड लॉयन अपने नाम अपना टैग अपने नाम करने वाला है ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ और दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि उस बच्चे की मेहनत की बात करूं 28 दिन वो फील्ड में है दो वो दिन सिर्फ वो घर पे हैं वो भी हम बोलते हैं बेटा घर जाओ थोड़ा मिल के आओ रिलैक्स हो जाओ बट नहीं ट्वेंटी फोर आवर सिर्फ तो थैंक यू वेरी मच सर और मैं की बात देखती हूँ की उसके आज अचीवमेंट की वजह हम नहीं है सर आईडिय सिस्टम है आपका एजुकेशन है क्योंकि जिस बच्चे को या जिस भी लीडर को सीखने की अगर वो जाग गई है ना सीखना है चाह जाग गई है अचीवमेंट्स पाने की भूख लग गई है अपना नाम कमाने की भूख लग गई है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू और इस बार हम दुबई डबल बिल्कुल आ, मेरा यही मकसद था और मैं हर बार मेरी यही कोशिश होती है कि अगर इस बार टूर में आठ लोग हैं तो अगली बार आठ नहीं कम से कम आठ को डबल करना है और डबल से ट्रिपल करना है और इस तरह से हमने अपने आप से भी सर और टीम से भी यही कहा है कि अपना नहीं देखना है टीम का देखना है तो यही करते आज यहाँ पे बड़े हैं और सभी लीडर्स को तो एक ही बात कहूंगी कि देखिए टूर और पॉलिसीज और ऑफर्स आपके रैंक में सबसे बड़ा हेल्प करता है तो ये जो चीजें आती हैं कंपनी देती है इसको हाथ से मत जाने दीजिए इसका इतना फायदा उठाइए कि आज मैं देखती हूँ टीम में ऐसे ऐसे लीडर्स है जो कितना सारा यहाँ से ऑफर्स अचीव कर रहे हैं टूर पे फोकस करते हैं उनके रैंक कब आ रहे हैं कितना शानदार बोनस ले रहे हैं यही वजह है क्योंकि वो सिस्टम में है थैंक यू सर थैंक यू और आप लोगों का जो साउथ इंडिया में प्रोग्राम जबरदस्त सर आपकी पिक्स देखी तो बिल्कुल सर स्पीचलेस और जिस तरह से आप लोगों का वहां पे वेलकम हुआ और वो एक अलग ही फीलिंग थी सर जैसे किंग एंड क्वीन और सीरियसली तो मैंने भी यही देखा कि बड़ा लेवल डायरेक्टर लेवल क्यों अचीव करना है और यहाँ पे क्या आपकी हाँ पहचान है और पूरी दुनिया आपको जानती है तो इसके लिए सर आपके लिए सल्यूट है और आपने आज, आज आपके अपने साथ साथ हमारी भी जिंदगी बदल दी है और चाइना के लिए सर टीम इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत से लीडर कह रहे थे कि मैम हमें तो एक बार हमारे डायरेक्टर्स का बिला देख के आना था बट मैं एक ही बात बोलूंगी लीडर्स को कि अगली बार पक्का मौका मिलेगा और मैं एक ही बात बोलती हूँ कि जिद करनी है कि आप हम सबके नाम का भी बिला हो पाल सर की तरह चाइना में और मेरी भी सर यही जिद है थैंक यू सर थैंक यू दिस ईयर मैं पक्का अपना स्टार गोल्ड लाइन डन कर रही हूँ क्योंकि मैंने तो एक ही चीज सीखी है कि जो कह दिया ना वो पत्थर की लकीर है वो अपने लिए करना है ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों जो आपके सीनियर का नहीं है आपका है अचीवमेंट आएगी तो आपका नाम होगा टूर होंगे तो आप जाते हैं जब आप काम करते हैं बोनस आपके अकाउंट में आते हैं जब आप रैंक पे जाते हैं रॉयलिटी पे जाते हैं तो रॉयलिटी भी आपको ही मिलती है

साउथ इंडिया में जाता हूँ वहाँ पे भी आपका नाम को जानते हैं देजस क्योंकि आपके नाम की चर्चा बेशक शुरुआत आई नेट में हुई हो लेकिन इसकी गूंज जो है ना पूरे देश में है पूरी दुनिया में है और वो है आपका समर्पण आपकी मेहनत जज्बा मैंने कहा ना कि जो हम कर रहे हैं जो अवनीता जी कर रही हैं अगर आप सब करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं इस बात को आप अच्छे तरीके से महसूस करें हम कोई अलग से नहीं कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं जो आपको कहने के लिए कह रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए इसमें चमत्कार है तो बहुत बढ़िया इसी तरीके से आप आगे बढ़ें जल्दी से स्टार गोल्ड लाइन भी और डायरेक्टर भी और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ हिंदुस्तान की जो पहली फीमेल डायरेक्टर है वो गनीतः राज्य बनने वाली हैं और बहुत सारी उपलब्धियाँ पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है पूरे देश में आपको जाना है अगेन अब मैं अनदर सीनियर लीडर देख रहा हूं मैं हमारे अनिल गहलोत सर नजर आ रहे हैं मुझे वेलकम सर अवर ब्रॉन्ज लाइन लीडर अपकमिंग गोल्ड लाइन हाउ इज द जोश वेलकम अनिल सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपने मुझे बोलने का मौका दिया और जोश हाई सर बहुत आई है जब से हमने बीबीएस किया है पूरी टीम फाइड है और बिल्कुल आज का जो सेशन था बहुत बहुत सुपर सेशन था सर आज का एक एक पॉइंट आपने मैं कहता हूँ कि एक एक पॉइंट इतना जबरदस्त था अगर हम पर गौर करें तो गोर लाइन से पहले तो मतलब ही नहीं उठता गोर रुक जाए एक एक पॉइंट ने फोकस किया है वो कहीं से उठाया अपने पॉइंट लेकिन एक से एक जबरदस्त था चाहे वो अदर टीम का हो टीम बात नहीं करेंगे चाहे वो ये हो कि भाई आप जो अपने अपलाइन का किस तरह सम्मान करेंगे किस तरह सबमिशन में रहेंगे वो सारी चीजें थी इसी को सिस्टम कहते हैं तो सर हंड्रेड परसेंट उसकी निश्चित करेगी तो बहुत ही जबरदस्त सेशन सर आज का बहुत ही सुपर मैं कहता सुपर से भी ऊपर का सेशन आज का और हंड्रेड परसेंट अगर कोई साथी इसको रेप करेगा तो वो बोर्ड लाइन क्या आज ही नियम डालेगा डायरेक्टर एस डी थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपने जिस तरह का सेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सर जो है वो अभी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बचा है अभी एक महीना बचा है उसके लिए हमारे बहुत सारे साथी ट्रैगल भी कर रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं और हंड्रेड परसेंट होगा सर टूर जबरदस्त सर और मैं अपने सभी जो है वो जितने भी हमारे अपलाइन हैं उन सब का शुक्रिया करता हूँ और साथ में हमारे जो कोर ग्रुप है जिसमें हमारे सोम साहब हैं वनित राज जी हैं और जितने भी हमारे जिनका मन नाम ना लिया उनसे माफी चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त कल भी सोम साहब का सेशन था वो बहुत ही सुपर था सर और इससे पहले भी जितने हमारे लीडर बहुत जबरदस्त सेशन लिया और जो नॉलेज हमें यहाँ पे मिल रही ना वाकई में वो नॉलेज कहीं नहीं आप जो बोलते हो ना कि कोई नहीं है टक्कर में हकीकत में सर ये कोई ईगो की बात नहीं है ये नपी तुली बातें हैं पूरे रिसर्स करके तब बोले गई कोई नहीं है कर, सर बात जबरदस्त मैं किन शब्दों से आपका थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और आप पता नहीं इन शब्दों के माध्यम से पता नहीं कितने साथियों की जिंदगी को आप आज सवार रहे और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कभी सपना नहीं लेते थे कि हम कभी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब भी हो सकते हैं लेकिन जब आपका सेशन सुनते हैं तो हम में तो क्या उनमें भी एक अलग तरह की जोश आ जाता है एक अलग तरह की अलग ही भावना पैदा होती है और वो इस लाइन पर जाते हैं कि सर जो और लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ये जो आपका माइंड सेट जो आप बदलते हो ना माइंड को तो बहुत ही जबरदस्त थैंक यू थैंक यू।, यू सर थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका और माहौल बहुत गर्म है मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सर आप इसी तरीके से अपना मार्गदर्शन करते रहें और हम बहुत आगे तक जाएंगे और आप जिस तरीके से आपने साउथ की भी अब लाइन पकड़ ली है तो हमारे अंदर एक नया हमारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी तो हम इधर ही नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे थे लेकिन अब जब आप साउथ इंडिया में भी जब आपने झंडे गाड़ दिए ना तो अब हमारी उड़ान भी वहीं तक हम भी सोच रहे हैं हमारे दिमाग में भी आ गया अभी तक नहीं था ये लेकिन जब आपने बोला साउथ इंडिया में भी तो अब हम भी सोच रहे हैं कि नहीं जब यहाँ कर सकते तो साउथ इंडिया में करके दिखाएंगे और आने वाले समय में इंडिया में नहीं सर पूरी दुनिया में एडेंट सिस्टम का नाम होगा ऐसी हम आश कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने अगले पांच साल का जो आप लेके चल रहे हैं टारगेट वो बहुत ही सुपर होने वाला है और इस दौरान सर हम सबकी जिंदगी एकदम बदल जाएंगी सर थैंक यू थैंक यू सो मच सर आज हम अपने आप को बहुत लक्की मानते हैं आपके साथ जो है इस तरह का सेशन सुन के इस तरह जुड़ के आज हम अपने आपको बहुत लक्की मान रहे हैं सर थैंक यू थैंक यू सो मच सर और बस मैं अब यही कहना चाहूँगा जो सर आप बताते हैं उसको फॉलो करें उसको फॉलो करके ना आगे बढ़े अपना दिमाग लगाने की कतई जरूरत नहीं है सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है बस उसको फॉलो करते रहें और आगे बढ़ते रहें हंड्रेड परसेंट सफलता होगी थैंक यू थैंक यू सर सो मच आपका और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपनी टीम का अपने सभी अपलाइन का और थैंक यू ऑडियंस सिस्टम का जो इस तरीके का हर रोज शाम को एक अलग ही रूप में होता है एक अलग जुनून होता है और हर रोज हम इस सेशन को सुनते सर और सुन के आगे बढ़ते सर थैंक यू थैंक यू सो मच आपका और थैंक यू हमारे जितने भी, भी प्लेटर सबका अपनी पैर टीम का बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हैं सर गोल्ड लाइन और जाना है इंटरनेशनल टूर थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर What, बहुत सर वंडरफुल बहुत शानदार सर ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड कीजिए बहुत आगे जाना है बिकॉज़ इंडिया बहुत बड़ा है और हमें अपने घर से बाहर निकलना है घर मतलब सौ दो सौ सौ किलोमीटर के दायरे में हम रहते हैं आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जो आपके सामने है मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूं कि आप महसूस करिए ये कोयम्बटूर है कल हम यहीं थे इसी इलाके में यहीं से हमने फ्लैट ली थी कोयम से और ये कोयम टू जो है आप सोच सकते हो कि हमारे देश के बिल्कुल कोयम टू नीचे नजर आ रहा है आपको स्क्रीन में ये सिर्फ एहसास के लिए कि ये बिल्कुल कोना है इसके बाद सामने श्रीलंका नजर आ रहा है देश का ये दूसरा छोर है कोयम्बतूर बेंगलोर ये जो की सिटी हैं चेन्नई केरला त्रिवेंद्रम राइट इसके अलावा ये आसपास के इलाके यहाँ पे फुल पोटेंशियल। यहाँ हमने महसूस कर रहे थे कि यहाँ पर मतलब बचा ही क्या है पूरा देश कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं पूरा कर लो देश मुट्ठी में देश मुट्ठी में दुनिया अपने आप ही मुट्ठी होनी है कोई बड़ी बात नहीं है हर जगह पे कुछ पौधे लगा लो उन पौधों की सिंचाई करते रहो ध्यान रखते रहो राइट यकीन करना वो बच्चे वो पौधे कब बड़े हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा जो आज तक हुआ है ना वही तो आगे करना है हम सबको कैसे आप सिक्स स्टार सेवन स्टार एट स्टार बने वही काम करते रहो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बन जाओगे वही करते रहो आप डायरेक्टर बन जाओगे सब कुछ हो जाएगा बस करने से होना है बस ख़ास बात तो यही है तो मैं महसूस कर रहा था कल कि ये समझ लो कि पूरा देश नापना कोई बड़ी बात नहीं है फिर इसके बाद ये सी ये आपके सामने सीन है ये अलग अलग देश हैं ये अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं आपके सामने स्क्रीन पर फिर आपके आसपास के इलाके आगे इंडिया के राइट इधर को जाओगे चाइना जापान राइट right. क्यों आगे की तरफ बड़ा आगे बढ़ जाओगे कनाडा यूनाइटेड यूएसए साउथ अमेरिका ब्राज़ील अर्जेंटीना अभी सुनने में आया है कि हस्ता अगले साल का कन्वेंशन ब्राज़ील में होगा अगले साल आप ब्राज़ील जाने वाले ब्राजील सोचो तो आप ब्राज़ील तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर की कन्वेंशन कंपनी ब्राज़ील में करेगी अभी कुछ टेक्निकल रीजन है क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में टिकट्स का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है कई चीज़ें एयरलाइन में बुकिंग नहीं हो पा रही हैं तो उस चैलेंज की वजह से कंपनी को आइडिया ड्रॉप करना पड़ा है चाइना का बट जहाँ तक मैंने कहा ना कि जो डिस्कशन हुआ है आपको रेडीमेड कुछ ऐसा ऑप्शन मिल सकता है जो आपको चौंकाने वाला है आप दोगे तो मज़ा आ गया राइट तो मैंने कहा ना कि मज़ा आ जाएगा यही काम क्यास करती है तो वो भी अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आने वाला है तो ये आपके सामने नक्शा है देश का भी और दुनिया का भी तो कर लो दुनिया मुट्ठी में कर लो देश मुट्ठी में आपके पास है बहुत कुछ है लेकिन करना भविष्य की गोद में बहुत कुछ है 2030 तक अगले पांच साल बहुत ही स्वर्णिम बहुत ही स्वर्णिम वनीता जी परसों शायद बता रही थी उस दिन में उसमें था आप सोचो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर हिंदुस्तान में एग्जैक्ट अगर ये न्यूज़ पक्की है हालांकि ये पक्की है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ पच्चीस साल की उम्र में हिंदुस्तान का पहला नेटवर्क मार्केटिंग लीडर पच्चीस साल की उम्र में सात करोड़ की गाड़ी खरीदी अभी सात करोड़ रुपए की रॉयल्स रॉयस कितनी उम्र है से पच्चीस साल आज से पाँच साल पहले कोरोना काल में मैं उसकी वीडियो देख रहा था मैं कोरोना काल में शेखर जी को अपने बच्चों को दिखाता था मगर इस लड़के को देखो ये लड़का काम कर रहा है सोचिए आप सात करोड़ रुपए की गाड़ी है तो पैसे तो आते होंगे ना अपने आप पैसे तो धीमे तो नहीं मिलती रॉयल्स रॉयस और रॉयल्स रॉयस लेने से पहले कंपनी इंटरव्यू लेती है कि आप रॉयल्स रॉय आपको देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए सोच उम्र पच्चीस साल जिस कंपनी में लोग काम कर करके छोड़ छोड़ के बोलते हैं। मैं तो भाई साहब छोड़ दी कंपनी की थी मैंने उसी कंपनी में पच्चीस साल का बच्चा झंडा रहा है ये है चमत्कार इंडिया में हो रहा है ये कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं ना मैं बांग्लादेश की ना लंदन की बात कर रहा हूँ ना किसी और देश की यहां बड़े बड़े चमत्कार लोग कर रहे हैं मेहनत करके राजनीति करके नहीं पॉलिटिक्स करके नहीं लेफ्ट राइट करके नहीं दिल से दिल मिला के दिल से दिल काम कर और उनकी टीम में उस लड़के की टीम में उससे कम उम्र के बच्चे हैं रेंज रोवर ले रहे हैं रेंज रोवर। बी एमडब्ल्यू ऑडीज मर्सिडीज। क्यों पता है क्यों ले रहे हैं माहौल है माहौल से काम होता है कैसी कंपनी जिसमें कईयों सालों से लोग धक्के खा रहे थे जिस कंपनी को लोग रेगिस्तान बोला करते थे यहाँ कोई पौधा नहीं लग सकता है वहाँ जंगल बसा दिया बंदे ने पता क्यों जो दिखता है दिखता है तो हर जगह पर एक से एक कलाकार खिलाड़ी बैठे हुए हैं और जो जैनविन खिलाड़ी है खेलने वाले खिलाड़ी है वो कब माहौल बना दें, पता नहीं चलता है ये मैंने आपको इसलिए बताया ये इंडस्ट्री 2030, 2035, 2040 अगले 10-15 साल में इस इंडस्ट्री में आज जो ईमानदारी से काम कर रहा है ना उसका परिवार करोड़ोंपति की श्रेणी में आने वाला है करोड़ोपति की पीछे मुड़ के देखोगे आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि जिंदगी में आपने इतना बड़ा देखो रिस्क तो लेना पड़ता है ना रिस्क किस में नहीं आप दस साल पंद्रह साल पढ़ाई लिखाई करते हो बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हो फिर भी धूल फांक रहे हो तो रिस्क नहीं है क्या वो आप दस बीस पचास लाख एक करोड़ रुपए लगा के धंधा शुरू करते हो धंधा फेल हो जाता है सन्नाटे पे चले जाते हो क्या रिस्क नहीं था क्या घर से निकलो बाहर रिस्क है और घर में बैठे रहो तो भी रिस्क है कि छत गिर गई तो क्या कर लो कुछ भी तो हो सकता है कहने का मतलब है नो रिस्क नो गेम नो गट्स नो ग्लोरी अगर जिंदगी में ग्लोरी चाहिए तो गट्स चाहिए रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए हिम्मत चाहिए लोगों की ना सुनने की ताकत चाहिए लोगों को समझाने की ताकत चाहिए लोग ना करें मुस्कुराने की ताकत चाहिए लोग आपकी टांग खींचे मुस्कुराने की ताकत चाहिए लोग आपके बारे में भला बुरा बोले तो भी आपको उसको झेलने की शक्ति चाहिए उनको इग्नोर करने की नजरअंदाज करने की ताकत चाहिए तब मजाक मामला सेट हो सभी के साथ ये आपके साथ नहीं है जितने भी लोग इस दुनिया में आगे गए हैं सबके साथ हुआ एक सिंगल भी नहीं है जो जो बल्कि लोगों के साथ तो नारायण कितना कितना बुरा बुरा हुआ है तब भी कर गए लोगों के हाथ नहीं है टांगे नहीं है बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें हैं तो भी झंडे गाड़ रहे हैं दुनिया में हमें तो बहुत कुछ भगवान ने दिया हुआ है लेकिन हम कंप्लेन कर रहे हैं या हम थैंक यू कर रहे हैं हम ब्लेसिंग फील कर रहे हैं या हम लोग अपने लिए बोलते हैं भाई साहब कहने का मतलब ये दोस्तों कि बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में आप बहुत लकी हैं किस टाइम आप सुन रहे हैं ये सुनना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है नहीं बैठा जाता है मन डोलता है जाऊं 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 अरे भाई ये तो डेली बोलते रहते हैं वो पागल थोड़ी है जो बोल रहे हैं आके है ना वेरी वैल्यूएबल पीपल आर कमिंग हियर वेरी प्रीशियस टाइम वी हैव यही टाइम मेरे को अभी आपको बताना चाहूंगा मुझे एडिटिंग करनी है मैंने सूरत में प्रोग्राम किया गुजरात में मैंने उसके बाद में मंडी में प्रोग्राम किया फिर हमने फरीदाबाद में प्रोग्राम किया मैं एडिट कर रहा हूं बहुत सारी चीजें उसमें वीडियोस वगैरह नहीं मिल रहा टाइम बैक टू बैक टू ट्रैवलिंग और भी बहुत सारी जिम्मे जब भी मौका मिलता है पोस्टर बनाना पड़ता है क्यों मैं भी बोल दू किसी और को लगा दू ड्यूटी लगा तुम बना दो पोस्टर बना सकते हैं बट मुझे लगता है कि अभी कस्टमाइज जो जा रहा है ना माल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट आने वाले टाइम में जरूर ये ऑटोमेटिक सिस्टम में चला जाएगा बट जब तक नहीं है तब तक हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं इज नो एक्सक्यूज प्रायोरिटी वाइज जो प्रोग्राम जिसने जो प्रोग्राम में आया उसका हो गया काम जो नहीं आया उसके लिए वीडियो है दे देंगे ना वो तो हमारी मर्जी है राइट right? नहीं तो भाई तरसते रहो काश प्रोग्राम में गए होते अपनी आंखों से देखते क्योंकि जो वहां पर तीन चार पाँच घंटे रहे उन्होंने महसूस किया वाइब्रेशन क्या होती है एनर्जी क्या होती है और जो वहां पर भी रहकर जिन्होंने अच्छी चीज़ें देखी कईयों को तो ये लगा कि मेरे को तो कुर्सी नहीं बैठने को मिली मेरे को खाना नहीं मिला मेरे को पानी नहीं मिला मेरे को ये हो गया वहां जाकर भी कंप्लेंट एटीट्यूड में जो बंदा बैठा होगा उसका क्या हुआ होगा कुछ नहीं हुआ है ना तो स्वर्ग और जो नर्क है दोस्तों वो अपने अंदर ही है हम जब सोचते हैं अच्छा अच्छा तो स्वर्ग नजर आता है जब हम नेगेटिव सोचते हैं कंप्लेंट में जाते हैं ईगो में आ जाते हैं तो वहां नर्क नजर आता है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि सारा खेल सोच का है माइंड का है हमें सिर्फ वॉच करना है हमें चौकीदार बनना है तो अपने माइंड का कि हम सही सोचते हैं कि नहीं हम कंस्ट्रक्टिव हैं क्रिएटिव हैं पॉजिटिव हैं या डिस्ट्रक्टिव हैं नेगेटिव हैं टांग खींचने वाले हैं या लोगों को पुश करने वाले हैं राइट लोगों का दिल तोड़ते हैं उनके सपने तोड़ते हैं या उनके सपनों को इंस्पायर करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है मैं तो अभी ताज़ा ताज़ा एक ऐसी जगह में होकर आया हूँ जहाँ वो मेरी भाषा ही नहीं समझ सकते थे जो मैं बोल रहा था वो समझते ही नहीं थे उनको पता ही नहीं चल रहा था क्या बोला उनको सिर्फ ये पता था कि मैं किसी जोश में बोला हूँ एक्साइटमेंट में लेकिन जब वो उसको ट्रांसलेट करते थे ना उसके बाद तालियां बजती थी जबरदस्त तो मैं सोचता था जो मैं इतना जबरदस्त इतनी शानदार बात बताई मैंने इन्होंने ताली नहीं बजाई तो मैं सोचता था चलो अब इंतजार करो क्या हुआ असर इनका राइट जैसे ही वो तो मतलब हर हर ट्रांसलेशन के बाद तालियां ही बज रही थी तो तो लोगों के हाथ थक गए लेकिन तालियां बजनी नहीं रुकी क्यों क्योंकि उन्होंने महसूस किया कनेक्ट किया और उन्होंने मैसेज दिया मैनेजमेंट को और कहा उन्होंने कि सर आपके सेशन हमें चाहिए आपका आशीर्वाद चाहिए आपका साथ चाहिए आप वैसे ऐसे ही हमारे पर बनाए रखना बताओ क्या लेना देना उनको उनको पत... उन्होंने सोचा भी नहीं था प्रोग्राम से पहले शायद इतना उनको उम्मीद नहीं थी जो हमने वहां पर बातें रखी उन्होंने महसूस किया कि सर यू आर लिविंग लीविंग लीव कर रहे हैं आप उसको जी रहे हैं जो आप बोल रहे हो उसको जी रहे हो साथ में आप खाली बोल नहीं रहे हो बोलते कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं राइट दोस्तों ये चीज़ें हम सबको करनी है बहुत आगे जाना है अभी तो मंजिल शुरू हुई है मुझे ऐसा लगता है आपको तो लगना ही चाहिए राइट बड़े बड़े टारगेट बड़े बड़े गोल बनाइए उन सबको हिट करेंगे मिलकर आज के लिए इतना ही माय बीच में सभी लीडर्स जो वीडियो में हैं और जो वीडियो में नहीं भी हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए कल शाम को फिर मिलने वाले हैं हम नए टॉपिक के साथ मे भी नए लीडर के साथ मे भी हो सकता कल फिर आऊँ मैं और कुछ आपके लिए मसाला लेके जो आपके सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं पर आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंटल बने रिसोर्सफुल बने यही हमारी चाहत है कि आने वाले सालों में आप बुलंदी पे जाएं टॉप पे जाएं आज के लिए यहीं पे हम अपने प्रोग्राम को विराम देंगे और मैं आपका म्यूट करता हूँ मैज मंत्र के लिए कल शाम को मिलते हैं फिर ठीक आठ बजकर पचपन मिनट पर यह रहे आप और यह रहे आपजिकल ओवर टू यू